Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और इस वक्त मैं मौजूद लटपुरा ब्लॉक के रजपुरा ब्लॉक के लटपुरा गांव में हूँ। आपको बता दूं कि चंद दिनों या कहें चंद महीनों बाद चुनाव होने जा रहा है प्रधानी का। एक बहुत बड़ा चुनाव होता है ग्राम प्रधान का, और इसमें बहुत सारी चीज़ें भी देखने को अक्सर मिला करती हैं कि जो पिछले प्रधान हुआ करते हैं कि उन्होंने क्या करवाया और नए प्रधान क्या कुछ नया करने जा रहे हैं। क्यों इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि बहुत सारे वादे इरादे जनता अपने प्रतिनिधि को लेकर चुनती है, किस तरीके से प्रतिनिधि हमारा विकास कितना शिक्षा होंगे और कितने कार्य वो कर पाएंगे, क्या ऐसा कुछ नया कर पाएंगे जो पहले प्रधान नहीं कर पाए। तो ये जानने के लिए आज हम पूछे हैं लटपुरा, मेरे साथ हैं ताज मोहम्मद जी, उनसे जान लेते हैं कि उनके वादे इरादे क्या हैं और किस एजेंडे को और किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ेंगे। जी शायद लगभग 3 महीने बाद चुनाव। जी हाँ, ये लटपुरा गाँव है और मैं लटपुरा का ही निवासी हूँ। और राजनीति बैकग्राउंड तो मेरा राजनीति ग्राउंड मेरा कुछ नहीं है, पहले से मैं फर्स्ट टाइम जो है ये प्रधानी का इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। और जनता का अगर सहयोग मिला तो जनता के जो जो मैं वादे इरादे जनता से किए हैं या करने जा रहा हूँ वो मैं शायद बता सकते हैं क्या वादे मैं खरा उतरूँ। कुछ वादे बता सकते हैं, जैसे नाली हैं, खड़ंजे हैं, स्थिति आपने भी देखी होगी गाँव की, वो बेहतर नहीं है अभी। तो चाहता हूँ कि मतलब ये सब कार्य मैं अपने योजना के अंतर्गत ये करा सकूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, होना भी ये देखिए, गवर्नमेंट अगर आपको पैसा दे रही हो, घर के अंदर लगाने के लिए नहीं दे रही, आपको बिजनेस करने के लिए नहीं दे रही, वो गवर्नमेंट जो पैसा दे रही है और जो आपको 5 साल बड़ा कीमती टाइम जो होता है, एक एक बोर्ड आपको जो दी है वो उन लोगों के लिए दे रही है कि उन लोगों के प्रयोग में पैसा आ सके, उनकी मजबूरियाँ परेशानियाँ जी जी दूर हो सके, उसके लिए दे। पारदर्शिता के साथ जो है मैं कार्य पूरा करना चाहता हूँ। ये कार्य जो भी होगा ये सब पारदर्शिता के साथ होगा, ना कि कोई छुपा के या किसी से दबंगे के रूप में होगा। ये मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल पारदर्शिता इसमें नज़र आए जनता को। किस तरीके से नज़र आए? जैसे कि कोई कार्य मैं खड़ंजे का नाली का कराना चाहता हूँ तो उसमें पूरी पारदर्शिता हो, कि ऐसा ना हो कि जनता ये कहे भाई इसमें मिलावटखोरी या कोई इसमें घूसखोरी हो गई। तो वो मैं नहीं चाहता कि मेरे कार्यकाल में ये सब हो। आज मोहम्मद जी देखिए, वादे चुनाव से पहले बहुत सारे कर लिए जाते हैं, मजबूरी होती है। जब हम इस राजनीति लाइन में आते हैं तो राजनीति वाली बात ही हुआ करती हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं अक्सर भूल ज़रूर जाते हैं कुछ प्रतिनिधि इस तरीके की होते हैं। मगर आपने जो पारदर्शिता वाली बात कही तो आप पहले एक खुलकर बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जनता से, जनता देख भी रही, कुछ लोग खड़े भी हैं यहाँ पर, कि जो काम होगा तो सीधे सीधे कहने का मतलब ये है जनता के मुताबिक होगा। क्या होता है कि अब तक गांव में जो है एक ही समुदाय के लोग या एक कहूँ कि एक ही परिवार के लोग जी, वो अभी तक हमारे यहाँ पे प्रधानी पद के दावेदार रहे हैं और तो रहे भी हैं। तो अब इस बार जो है जनता क्या फर्क नज़र आता है, जो दावेदार हर बार एक ही रहे हैं और काफ़ी टाइम से लंबी योजनाओं से प्रधानी कर रहे हैं, तो कितना बदलाव वाला? दरअसल गांव क्या है, 80% जो है मजदूर तबके का है जी। तो सब लोग इस तरह के इस मामले में सक्षम नहीं है कि वो इस कार्य को कर सकें या उसे पूरी तरह से निभा सकें। तो जनता ने मुझे सपोर्ट किया है, जनता जनार्दन मेरे साथ है, तो मैं चाहता हूँ जिस तरह से जनता मुझ पर भरोसा कर रही है मैं भी उस पर खरा उतरूँ। तो प्रायोरिटी क्या होगी, फर्स्ट जो पहल किस चीज़ से करना चाहेंगे? जनता के का यहाँ से जी जी, अगर जनता ने मुझे सहयोग करा और जनता मेरे साथ रही तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले गांव के सुधार नाली और खड़ंजों से करूँ, ताकि आने वाले वक्त में कोई ये ना कहे कि हमारे गांव के रास्ते अच्छे नहीं। अभी आप आए होंगे रास्ते से तो फर्स्ट टाइम जो रास्ता पड़ता है, जो हमारे गांव का एंट्री रास्ता है, वो बिल्कुल ख़राब है। एक और मुझे बड़े दुख भी होता है देख कर उस चीज़ को, कब्रिस्तान है वहाँ की बाउंड्री भी नहीं हुई हुई, वजह क्या है, कारण क्या है? शायद मुझसे ज़्यादा वहाँ प्रधान जी जानते होंगे और शायद वहाँ नज़दीक में प्राइमरी पाठशाला जी जी। दरअसल हाँ नहीं, बाउंड्री तो हुई हुई है, शायद आपने वो देखा नहीं, बाउंड्री हाँ वो टूटी हुई है, जो मतलब खराब स्थिति में है। तो
पानी भी भरा हुआ, दरअसल एंटर रास्ता है तो वो इस तरह से मतलब अच्छा नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। चाहूँगा कि मेरे कार्यकाल में सब कार्य पूरे हों। शमशान घाट है, मैं चाहता हूँ कि शमशान घाट में भी जो अब तक कार्य नहीं हो पाए वो मैं कराने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं बहुत सी बार के रजाया करती हैं, मैं ये भी कहना नहीं चाहूँगा कि प्रधान जी ने नहीं करवाई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है शायद रजाया करती हैं, नहीं हो। कोशिश ये रहेगी कि भाई जो काम रह गए हैं या जो नहीं हो पाए या जो सोचती है जनता के नहीं हो पाएगा और जनता मुझे सहयोग करे तो वो काम भी मैं पूरे कराऊंगा। तो मैं आपको बता दूं बॉस, जिस तरीके से ताज मोहम्मद जी में बता रहे हैं तो शायद ये लगता है इनकी बातों से कहीं ना कहीं इनकी बातों में सच्चाई झलकती हुई ज़रूर नज़र आती है। और वाकई में ही जनता को भी प्रतिनिधि अपना इस तरीके के ही चाहिए कि बिल्कुल साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर जनता के साथ प्रतिनिधि चलेगा। अगर और जिस तरीके से ताज मोहम्मद जी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि मैं इस तरीके से काम करूंगा जो जनता के हित के कार्य हैं, जनता खुद स्वयं यहाँ की मालिक होगी, ना कि वो खुद यहाँ के प्रधान बनेंगे बल्कि जनता की प्रधान बनेंगे, वो ही फैसला करेगी उसे क्या काम करवाऊँ।